और वन थिंग मोर सर, जी वी आर पेइंग 18% जीएसटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स एंड इट्स इक्विवेलेंट टू लग्जरी गुड्स. दैट्स द रीजन आई हैड टू पे मच टैक्स ओवर इट. इफ यू रीथिंक ओवर इट आई बिल्कुल बिल्कुल. हमारे देखिए हमारे देश में इतनी लोग गरीब हैं, इन गरीब को अगर बाजार से गेहूं खरीदने जाएगा तो बेचारा भूखा रहेगा. क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारा गरीब से गरीब भी व्यक्ति भी दो टाइम खाना खा के सो जाए? अगर उसको खाना खाना है तो हमें गेहूं में सब्सिडी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हमें अगर वो चावल खा के सोना चाहते हैं तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी? हमारा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या गरीब को फी माफ़ करके पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? गरीब बच्चे के पास स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, क्या मेरे देश के गरीब को यूनिफॉर्म देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए भारत में हम सब ने टैक्स देने का माहौल बनाना चाहिए. टैक्स देना यानी एक पुण्य का काम है, समाज के आखिरी तबकों की भलाई के लिए काम है. मुझे बराबर याद है, मैं आपको घटना सुनाता हूं. 1987-88 का कालखंड होगा, मैं नया नया राजनीति में आया था. मैं राजनीति में बहुत देर से आया और 84 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में साफ हो गई थी. अटल जी समेत सब लोग हार गए थे, हमारे दो ही एमपी थे, तो एकदम से भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था. 87-88 में अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव आया और मजा ये हुआ कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जहां 11-12 कॉरपोरेटर थे, हम दो तिहाई बहुमत से जीत गए. बीजेपी की कॉरपोरेशन बन गई. अब कॉरपोरेशन तो बन गई, मैं नया नया राजनीति में आया था, मुझे कोई ज्यादा समझ भी नहीं थी. एक बार मैं हमारे यहां साबरमती बस स्टॉप है, वहां से मैं लाल दरवाजा बस में ट्रैवल कर रहा था तो दो नौजवान बस में बातें करने लगे. एक दूसरे को कह रहा था यार टिकट लेनी चाहिए बस में, तो दूसरा कहा नहीं नहीं यार कंडक्टर तो अपना पहचान वाला है, वो चार आने में ले दे देंगे तो वहां उतार देगा. तो दूसरे का नहीं. देखिए अब बीजेपी की म्युनिसिपैलिटी बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, हमें टैक्स देना चाहिए, टिकट लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि वो दूसरा आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि ये पाई पाई का सही उपयोग करेंगे. मुझे इतनी खुशी हुई कि जो कल तक बस में 1 रुपये के बजाय 4 आना देकर के कंडक्टर को देकर के ट्रैवल करने की आदत रखते थे, उनके मन में भी विश्वास पैदा हुआ था. मैं 87-88 की बात कर रहा हूं और खुद का अनुभव बता रहा हूं. मैं समझता हूं हमारे देश में हमने ये आदत बनानी चाहिए. हां, साथ साथ सरकार पाई पाई का सही उपयोग करे इसके लिए भी जागरूक रहना चाहिए, सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए. देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये टैक्स के संबंध में एक माहौल बनाने की जरूरत है. आपने देखा होगा ये सरकार बनने के बाद 20 मिलियन से ज्यादा लोग नए टैक्स देने के लिए आगे आए हैं. सबको लग रहा है कि देश के गरीब के लिए, देश के गांव के लिए, गरीब के घर में टॉयलेट बनाने के लिए, गरीब को चूल्हा गैस का देने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए. अब कल्पना, 5 करोड़ परिवार हैं जिनको रहने के लिए घर देना है. क्या मैं मेरे ये 12-15 रुपये के लिए टैक्स के लिए मैं यही कहता रहूंगा? और इसलिए आपका रिसर्च और इनोवेशन के सुझाव के लिए मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन देश के गरीब के लिए, देश के विकास के लिए आप जैसे लोगों ने अधिकतम टैक्स देने के लिए लोगों को आने आने के लिए प्रेरित करना चाहिए. और मैं चाहूंगा कि मेरे नए कारोबारी, हाँ, क्या बैंक में लोन लेने के लिए आपको 10,000 करना पड़ा है? नहीं करना पड़ा है, नहीं. पहले करना पड़ता था. अगर उतना ही पैसा बच गया उसको अगर टैक्स में दे देंगे तो भी मेरे देश का कल्याण हो जाएगा. तो आइए मेरे साथ जुड़िए, विचारों को बदलिए, नई दिशा पकड़िए. धन्यवाद. थैंक यू सर.